हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू एंड लास्ट लेक्चर फॉर दी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के इस लास्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इन अवर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स, पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एट द सेम टाइम ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो वहाँ पर दोस्तों हमारी बात हुई थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट वहाँ पे कंडीशन थी ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड। इन टुडेस लेक्चर, आज के लेक्चर में भी दोस्तों हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के स्टीरियो आइसोमर्स की ही बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स इट मीन्स हम जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल दोनों की बात करेंगे, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका जो बोर्ड रिलेटेड कंटेंट है उसको डिट्टो आपको एनसीईआरटी से कॉपी करना है। हियर एनसीईआरटी समहाउ उसका इम्पोर्टेंस भी दोस्तों वहाँ पे उतना ही है जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये एडवांस लेवल का है। सो अगर ये हम कॉमन फॉर्मूला से करते हैं, सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी आपको पता चल जाएगा दैट देर इज़ वन मेटल, देर इज़ डाइडेंटेड लिगेंड एंड टू मोनोडेंटेड लिगेंड। सो ये आपको पता चल ही जाएगा। सो इसके रिलेटेड ये वीडियो की लेंथ कम होगी, बट इसके इससे रिलेटेड आपको जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको इन सबको एग्जाम्पल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके साथ आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल पे है वो भी कंप्लीट करने हैं कंपलसरी। ओके, सो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दी ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद दी बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, यहाँ पे एक्चुअली नॉट विद दी ओनली बाइडेंटेड लिगेंड, विद दी बाइडेंटेड लिगेंड एट द सेम टाइम मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड का दोनों का कॉम्बो हो, ये दोनों टाइम काम को काम करना है। यहाँ पर दोस्तों सपोज जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर बात करें बाइडेंटेड लिगेंड की, सो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है टू टाइप्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, जहाँ पर दोनों डोनर एटम कॉमन हो उसको हमने क्या बोला था, सिमेट्रिकल, और जहाँ पर दोस्तों डोनर एटम अलग थे उसको हमने क्या बोला था, एसिमेट्रिकल और वी कैन से अनसिमेट्रिकल। ओके, ये दोनों के अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज MAA3। हियर AA मींस बोथ डोनर एटम आर इक्वल, इट मींस सिमेट्रिकल लिगेंड्स आर देयर, दैट बाइडेंटेड लिगेंड इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अभी दोस्तों इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट। अभी यहाँ पे जनरल केस में जो गलती होती है उसकी हम बात करें, जनरली आपको AA3 लिखना इस तरह से लिख देंगे, AA ये चेन हुई, देन AA ये दूसरी चेन हुई और ये AA ये तीसरी चेन हुई, अब लिख दोगे। बट इसको समझने में बिकॉज ऑफ दिस टू डायमेंशन स्ट्रक्चर, हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे दैट स्ट्रक्चर इज इन टू डायमेंशन, बट जो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है इन थ्री डायमेंशन। सो आपको यहाँ पे मैक्सिमम केस में आप जो गलती करते हो वो गलती ना हो इसलिए हम यहाँ पे एक थ्री डायमेंशन मॉडल से ट्राई करेंगे। सपोज दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर है, इन दिस पर्टिकुलर सेंटर अवर मेटल एटम इज देयर, यहाँ पे मेटल एटम है, यहाँ से दोस्तों इन दिस सेमिलर प्लानर यहाँ पे एक लिगेंड होगा, लिगेंड वन, और वी कैन से डोनर एटम 1, 2, 3 एंड 4। इन दी प्लेस ऑफ लिगेंड मैंने यहाँ पे डोनर एटम वर्ड यूज़ किया, बिकॉज आई रिपीट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, डोनर एटम है वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड भी हो सकता है। सो लिगेंड एक ही होगा बट देर आर टू डोनर एटम्स, उसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे, और वी कैन से एक बाहर तरफ और एक अंदर तरफ। अभी सपोज दोस्तों ये पहली जो पेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं, इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस पेयर। सो ये पेयर जनरल केस में कहाँ पर होगी, हियर एंड हियर, यहाँ से आपको एज्यूम करना है दैट इज वन पेयर, डोनर एटम 1, डोनर एटम 2 ये है। अभी दूसरी पेयर आप अगर यहाँ पे रख दो 1 एंड 1, सिमिलर इसके अपोजिट, यहाँ पे AA, यहाँ पे भी AA, तब दिक्कत क्या होगी, ये दोनों तो सेट हो जाएगी बट थर्ड पेयर आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे, यू मीन टू से आप ये कहने जा रहे हो नीचे से आके इसे सेट हो जाएगी, दैट इज़ पॉसिबल, नो, वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड नहीं होगी। सो हमको ये अभी दिमाग में रहना चाहिए, ये टू डायमेंशन में हमने ड्रॉ किया है बट एक्चुअल में हम क्या देखें, अगर ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पे
इन दी सिमिलर प्लानर, जो प्लान है प्लान में हमारे पास दोस्तों एक ही ऐसा लिगेंड है जिसके डोनर एटम वहाँ पे, सो वन एंड वन, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वन एंड वन इस तरह की पेयर होगी, तब स्ट्रैंड कम होगा, थर्ड वन एंड वन ये पेयर होगी जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो आपको अभी समझ में आना चाहिए दोस्तों, अगर ये एक ही प्लान है, सपोज दिस इज़ वन प्लान, तो ये प्लान के अंदर दोनों डोनर एटमो ऐसा एक ही लिगेंड है ये वाला। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिगेंड के दो डोनर एटम में से एक कहाँ पर है, प्लान में, और दूसरा क्या है, मे बी अबोव द प्लान और बिलो द प्लान। सिमिलर विथ दिस थर्ड लिगेंड, यहाँ पे भी क्या होगा, वन डोनर एटम इज ऑन द प्लान एंड सेकंड वन इज अबोव और बिलो द प्लान। जस्ट मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, एक ही बार रिपीट करूँगा, बाकी जितनी भी बार अभी बात हो आपको ये समझ में आ जाना सही है। सपोज यहाँ पे सेंटर में, जब यहाँ पे अभी जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ पे मेटल है, वन एंड टू यहाँ पे एक पेयर है, एक पेयर है, सो दूसरी पेयर कहाँ पे होगी, वन एंड टू कुछ इस तरह से होगी, वन एंड टू, एंड थर्ड वन यहाँ से लेके नीचे जाएगी, ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर एक ही प्लेन में, आई रिपीट, अगर एक ही प्लेन में हमने दो रख दिए वन एंड टू, तो ये ऊपर नीचे वाला कॉम्बो नहीं बन पाएगा। ओके चलो, ये बात हुई एम ए ए थ्री की। सो हम ये जो कंपाउंड की बात कर रहे हो, कंपाउंड में जस्ट सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज सी ओ इथिलीन डायमाइन थाइस प्लस थ्री है, सो इथिलीन डायमाइन इज सिमेट्रिकल लिगेंड, सो ये दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम फाइंड आउट ट्राई टू फाइंड आउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने की बेस्ट वे क्या है, आपको चेन बनानी है ए ए ए बी ए सी जो हमने कल की थी, उससे आपको पता चल जाएगा दैट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पे दोस्तों पेयर बनाए एट 180, ए के सामने ए है, सो ए ए, देन ए के सामने ए, अगेन ए ए, देन ए के सामने ए, आई रिपीट अगेन ए ए, इट क्लियरली मीन्स, इसका क्लियर मीनिंग क्या हुआ, इट क्लियरली मीन्स यहाँ पे जो पेयर मिल रही है ए ए ए ए एन ए ए, ऑल ऑफ थ्री आर कॉमन। सर यहाँ पे दोनों कॉमन है या फिर ये दो पेयर कॉमन है, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हम नहीं कह सकते। ये तो सर ट्रिक थी, कल आप ही ने पढ़ाई थी, बट आपको याद होगा दोस्तों दैट ट्रिक इज पर्टिक्युलर मोनोडेंटेड लिगेंड, वो किसकी बात हुई थी, मोनोडेंटेड की। ओके चलो, अभी तो जियोमेट्रिकल पे फोकस कर दे। अभी दोस्तों आप कहीं पे भी दो डोनर एटम स्प्लिट कर दो, सपोज इन दोनों को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, इसको नीचे ले रहा हूँ तो इसको ऊपर, या इन दोनों को स्प्लिट करूँ या इन दोनों को स्प्लिट करूँ, किसी भी डोनर एटम को कहीं पे भी स्प्लिट करूँ, आपको जो पेयर मिलेगी वो यही पेयर होगी। इट मीन्स इसका दूसरा कोई फॉर्म ही नहीं है, सिंगल। अगर ये सिंगल है देन वी कैन से देयर इज नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, सो इसका एक ही फॉर्म होगा। दिस इज ऑल अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोस्तों कल हमने बात पढ़ी थी, नो पीओएस, देयर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इफ प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर देन वी कैन से ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है देन ऑप्टिकली एक्टिव। उसके ऊपर दोस्तों हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा भी एक बात थी, क्या थी, सुपर इम्पोजेबल, बट पर्टिकुलर डाइडेंटेड में सुपर इम्पोजेबल वाला फंडा की जगह पर हम इसी को अप्लाई करेंगे, पी ओ एस को। इसके लिए भी सम ट्रिक्स है, सम ट्रिक्स आर देयर, वो ट्रिक्स की भी बात करेंगे, बट पहले हम जो एक या दो एग्जाम्पल ईजिली हो सकते हैं उसके ऊपर, उसके बाद हम कुछ ट्रिक के साथ भी बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों यू कैन सी, जस्ट सपोज हमारे पास फिर से ये कंपाउंड है, सेंट्रल में मेटल आयन है, देन ए ए ए ए ऊपर और नीचे है, बट पेयर किस तरह से, ये दोनों एक ही लेयर में है। अगर पेयर की बात करें, ये दोनों है, फिर ये दोनों है और नीचे ऊपर ये दोनों, अगर आप बीच में से कट करते हो, अगर आप बीच में से कट करोगे तो क्या होगा, आपको दो इक्वल प्लान मिलेंगे। अगर दोस्तों मैं यहाँ बीच में से कट कर दूँ
तो आपको दो इक्वल प्लेन मिलेंगे, इक्वल प्लेन नहीं मिलेंगे दोस्तों। एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे, रिपीट, ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे क्या होने वाला है, पर्टिकुलर यहाँ पे दोस्तों ए ए मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, दो सिंगुलर ए होगा, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज इन द पेयर फॉर्म, दिस इज नॉट इन द पेयर फॉर्म, सो बोथ साइड आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से देर इज नो पी ओ एस। इफ देर इज नो पी ओ एस, नो पी ओ एस मीन्स नो प्लान ऑफ सिमेट्री, इफ देर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री देन वी कैन से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके कितने आइसोमर्स मिलेगी और कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देर विच इज डेक्स्ट्रो एंड दी लेवो, और वी कैन से डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। जो कल बात हुई थी दोस्तों स्ट्रेट पोलराइज लाइट को, अगर लेफ्ट साइड उसकी मूवमेंट और उसको रोटेट इस वर कर सके, लेफ्ट साइड मूवमेंट कर सके देन लेवो रोटेटरी, राइट साइड अगर उसकी मूवमेंट कर सकते देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ दे कैन नॉट रोटेट दैट प्लेन ऑफ लाइट देन वी कैन से दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात दोस्तों रह गई थी, कल हमने बात की थी डी एंड एल, बट कब डी कब एल नहीं हुई थी, तो अब याद रखना है एल एल, ये पेयर याद रखना है एल एल, लेफ्ट साइड लेवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड लेवो रोटेटरी, ओके। सो पर्टिकुलर अगर दोस्तों इस तरह का कोई कंपाउंड है तो ये कंपाउंड को हम ए बोलेंगे, दिस कंपाउंड इज जियोमेट्रिकली इनएक्टिव, और वी कैन से देयर आर नो जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज देयर, बट इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दी लेवो रोटेटरी, ओके। अभी दोस्तों बात करते हैं ए बी थ्री की, अगेन ए बी इज डाइडेंटेड लिगेंड, आई रिपीट ए बी इज डाइडेंटेड लिगेंड, बट पर्टिक्यूलर इन दिस कंडीशन ए बी इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल भी, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल थे। फिर से दोस्तों अगर ट्राई करो, अभी मैं यहाँ पे आपको थ्री डायमेंशन में विजुलाइज हो जाना चाहिए, अगर मैं ये बात करूँ दिस इज दी प्लान, अगर ये प्लान है तो ये तीन पेयर में से कोई एक ही ऐसी पेयर होगी, आई रिपीट फ्रॉम दिस थ्री पेयर्स ए बी ए बी एंड ए बी, कोई एक ही ऐसी पेयर होगी जो ये पूरा प्लान कवर करेगी, सपोज दिस इज, सो बाकी के पेयर के एक एटम कहाँ पे हो गया प्लेन में, दूसरा कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे, एक प्लेन में दूसरा ऊपर या नीचे। अभी इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है, उससे उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका कोई सेट प्रिपेयर कर देते हैं। इफ यू प्रिपेयर दी सेट एट 180 डिग्री वी कैन सी ए ए ए बी एंड बी बी, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मैंने आई थिंक ए ज़्यादा ड्रॉ कर दी, ए ए दैट इज ए ए देन ए बी दैट इज ए बी देन बी बी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी बी। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, ए बी ए बी एंड ए बी, अगर हम यहाँ पे सेट प्रिपेयर करें 180 पे ए एन बी ए बी, 180 पे बी एन बी बी बी, 180 पे ए एन ए ए। अब अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक को स्प्लिट करें, वी आर स्प्लिटिंग एनी वन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों को स्प्लिट कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग बी इन प्लेस ऑफ ए एंड ए इन प्लेस ऑफ बी, आई एम स्प्लिटिंग बोथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इफ आई एम स्प्लिटिंग बोथ डोनर एटम फिर मेरे को क्या सेट मिलेगा, आई विल गेट दिस सेट लाइक ए बी ए बी बी ए और ए बी बोथ आर इक्वल देन अगेन ए बी देन अगेन ए बी, सो वी विल गेट थ्री डिफरेंट सेट ए बी ए बी एंड ए बी, ओके। अभी दोस्तों आप और कोई तीसरा स्प्लिट करो फिर सेट प्रिपेयर करो, जो सेट मिलेगा वो सेट इन दोनों में से एक से कॉमन ही होगा, हाँ वहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इट मीन्स बी बी आगे हो और ए ए पीछे हो, या फिर ए बी की जगह पे बी ए लिखा हो, ये हो सकता है, बट आप यहाँ पे अभी तीसरा किसी को भी स्प्लिट करो, आपको जो सेट मिलेगा वो ये दोनों में से कोई एक ही होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी इन दोनों को स्प्लिट कर दूँ, या फिर चलो इन दोनों को स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर दोस्तों इन दोनों को स्प्लिट किया है तो आपको क्या मिलेगा, सेट ए ए ए बी बी बी, वो रिपीट, अगर स्प्लिटिंग यहाँ पे हुआ होता ऊपर और नीचे,
Okay, so if we split from any other side, you will get a set like this AA, AB, BB or AB, AB, AB आपको या फिर BA, BA, BA यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है. इसके अलावा और कोई आपको साइड सॉरी सेट नहीं मिलेगी. इट मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करें, देर इज टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर. सो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर टू. ओके, दैट इज ओके. अभी दोस्तों आफ्टर द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर के बाद में हम बात करेंगे वो क्या है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर. फॉर दी ऑप्टिकल आइसोमर हम क्या करेंगे, वी हैव टू चेक प्लान ऑफ सिमेट्री, वेदर प्लान ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल और नॉट. अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें बीच में से ये कट ले, ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे से कट ले, यू विल सी ये दोनों हाफ आर नॉट इक्वल, ए बी एंड ए बी. सो बोथ हाफ आर नॉट इक्वल. अगर दोनों हाफ इक्वल नहीं है, इट मीन्स देर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री. इफ देर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री, देन वी कैन से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. दिस स्ट्रक्चर वन इज ऑप्टिकली एक्टिव. अगर स्ट्रक्चर वन ऑप्टिकली एक्टिव है, इट मीन्स टू ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर. विच टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, लियो एंड डेक्स्ट्रो, लियो रोटेटरी एंड द डेक्स्ट्रो रोटेटरी. देन अगर दोस्तों यहाँ पे भी हम बीच में से स्लाइड लें अगेन, सर यहाँ पे तो हमको क्या दिख रहा है, वी विल सी टू, आई रिपीट, वी विल सी टू इक्वल हाफ. अगर आप बीच में से यहाँ से क्या करोगे, अगर यहाँ पे बीच में से दोस्तों आप काट लोगे तो आपको जो दो हाफ मिलने वाले हैं दे आर इक्वल. अगर ये दोनों हाफ इक्वल है, आई रिपीट, अगर ये दोनों हाफ इक्वल है तो हम क्या कहेंगे सर, वहाँ पे हमको जो मिलने वाला है दैट इज सॉरी वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे हमको क्लियरली दो इक्वल साइड मिलेगी. टू इक्वल साइड्स आर देयर, अगर दो इक्वल साइड है देन हम ये कहेंगे प्लान ऑफ सिमेट्री. अगर प्लान ऑफ सिमेट्री है तो हम ये कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव है सो देयर इज नो नीड ऑफ डेक्स्ट्रो एंड दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दी लेवर रोटेटरी, सॉरी डेक्स्ट्रो एंड दी लेवर रोटेटरी. फिर एक ट्रिक के बाद फिर से दोस्तों थोड़ी बात करेंगे इसके इससे रिलेटेड. उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, डेट इज एम ए ए ट्वाइस, एम ए ए ट्वाइस, एम ए ए ट्वाइस, इन विच ए ए दो टू टाइम्स ए ए विच इज सिमेट्रिकल लिगेंड एंड बोथ बी इज मोनोडेंटेड. दिस इज सिमेट्रिकल डाइडेंटेड एंड दिस बी इज मोनोडेंटेड. अगर दोस्तों यहाँ पे हम पेयर पॉसिबल पेयर सोचे, अगर यहाँ पे दोस्तों पॉसिबल पेयर की बात करें तो क्या होगा, इफ़ वी टॉक अबाउट पॉसिबल पेयर्स, सो आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ मिलने वाली है, दैट इज ए ए ए एंड अगेन ए ए, ये पॉसिबल है दोनों सामने सामने, यस पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है, बिकॉज थर्ड वन इज, जो थर्ड बात कर रहे हैं वो पेयर नहीं है, वो दोनों इंडिविजुअल है. अगर ए बी 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 पेयर होती, ये भी डाइडेंटेड लिगेंड होता, तो ये एक ही प्लेन में, इन वन प्लेन हम क्या नहीं कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे हम आई रिपीट यहाँ पे हम दोस्तों ये नहीं लिख सकते थे दैट दे आर सॉरी यहाँ पे हम ये बी और बी को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते थे, सॉरी यहाँ पे गलती हुई. अगर ये बी बी होता, अगर आई रिपीट ये बी बी होता तो, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ए ए ए ए. सो अगर प्लान की बात करें, प्लान में दोनों हमको डाइडेंटेड लिगेंड मिल रहे हैं, प्लान के ऊपर और नीचे मोनोडेंटेड है. अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसका सेट प्रिपेयर करें, फिर कैलकुलेट दिस शेप, तो शेप सेट क्या होगा, बी बी ए ए ए ए, सो आई कैन राइट ए ए ए ए एंड बी बी. फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या स्प्लिट होगा, ये दोनों स्प्लिट होगी. सर ऐसा क्यों, ये दोनों को नहीं कर सकते, अगर इन दोनों को स्प्लिट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के लिए तो ये चार में से कोई एक ऊपर और नीचे. सो फोर डायमेंशन में थोड़ा इजी लिख पाई, इसलिए मैं ये एक को ऊपर लिख रहा हूँ और बी को नीचे. सो ये सेट हुआ. अभी क्या होगा, अगर प्लान की बात करें, प्लान में वन ए ए, प्लान में वन ए फ्रॉम द डाइडेंटेड लिगेंड एंड बी इंडिविजुअल, बी इज अगेन इंडिविजुअल ओवर हियर, ऊपर और बी होगा नीचे. यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेट प्रिपेयर करो, आपको सेट क्या मिलेगा, ए बी ए बी ए ए ए ए बी
अभी इसके अलावा आई रिपीट, इसके अलावा आप और कोई भी सेट प्रिपेयर करो, यू कैन ट्राई। आप ये दोनों के अलावा आपको कोई तीसरा सेट नहीं मिलेगा। इफ़ यू विल नॉट गेट, आपको और कोई तीसरा सेट नहीं मिल रहा है, इसका क्लियर मीनिंग क्या होगा? इसका दोस्तों क्लियर मीनिंग यही होगा दैट ये कंपाउंड के हमको जो जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलने वाले हैं, दे आर टू, उसके दो जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। अभी फिर से बात हुई यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव की। आई रिपीट, ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव की। चलो दोस्तों एक ट्रिक पहले देख लेते, फिर बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ट्रिक है और ये कब हमको अप्लाई करनी है, व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड इन दी ऑक्ट्राहेड्रल एलिमेंट टू से कोऑर्डिनेट नंबर 6 कॉम्प्लेक्स 6। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है दिस इज सेंटर मैटर और ये होगा आई थिंक प्लेन। ओके, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जो अपोजिट एटम है, इफ बोथ अपोजिट एटम बट अपोजिट फ्रॉम द प्लेन, अगर ये प्लेन है, ये आपको जरा दिमाग में रखना है, ये प्लेन में ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दिस इज द प्लेन, ये तो प्लेन है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 होगा ये और ये वाला। अगर ये दोनों आपको अज्यूम करना है देर इज प्लेन इज ये, यहाँ पे प्लेन पॉसिबल है ऊपर और नीचे, अगर ये दोनों एटम इक्वल हुए देन वी कैन से पी ओ एस इज देयर, प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर। ये प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर, अगर वहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है देन देर इज नो नीड टू कैलकुलेट लेवो एंटी डेक्स्ट्रो, सो वहाँ पे हम क्या कह पाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कब की बात हुई, जब से हमारे प्लेन के ऊपर या नीचे वाले एटम इक्वल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बी एन बी, प्लेन के ऊपर या ऊपर और नीचे वाले दोनों एटम इक्वल है, सो वी कैन से यहाँ पे क्या है पी ओ एस। इफ पी ओ एस इज हियर तो हम क्या कह पाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ देर इज नो नीड, आई रिपीट, देर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट देर इज लियो और डेक्स्ट्रो प्रेजेंट और नॉट। ओके, दूसरी एक ट्रिक है दोस्तों, सपोज अगेन ये प्लान हुआ, सेंटर है, ऊपर और नीचे वाले दोनों एटम इक्वल नहीं है, बोथ अपोजिट एटम प्लान के ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों एटम इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ए ए, दिस इज बी बी और ए ए ए ए, ऊपर और नीचे ये पेयर के दोनों इक्वल है और ये पेयर को दोनों इक्वल है। अगर आपको इस तरह की पेयर मिली इट मीन्स अगेन पी ओ एस इज देयर, पी ओ एस इज देयर। अगर दोस्तों पी ओ एस वहाँ पे है, आई रिपीट, अगर पी ओ एस वहाँ पे है उसका क्लियर मीनिंग क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई रिपीट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है अगेन देर इज नो नीड फॉर द डेक्स्ट्रो एंड द लियो। थर्ड कंडीशन, इफ बी एंड सी अगेन अपोजिट एटम्स और अपोजिट डोनर एटम्स आर नॉट इक्वल, जैसे यहाँ पे बात थी, फिर से बात कर रहे, ये दोनों इक्वल नहीं है बट दोनों में से, ये दोनों इक्वल नहीं है बट दोनों में से कोई एक ऐसी पेयर जो यहाँ पे हम प्लान की बात कर रहे हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, साथ में ये दोनों इक्वल नहीं है, मे बी ये इक्वल हो सकते हैं, सो किसी एक साइड के इक्वल नहीं है और बाकी के साइड के दोनों सेम है, सो अगेन ए एन ए एंड दिस इज सी एन डी। सपोज ये दोनों अलग हुए, एक साइड के ए ए दे आर सेम, सी एन डी दे आर डिफरेंट, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं है साथ में दिस इज सी एन डी एंड दिस इज ई एन एफ, ये दोनों भी डिफरेंस है, इफ बोथ साइड डिफरेंट और ओनली वन साइड डिफरेंट, इन विच केस व्हेन अपोजिट एटम आर डिफरेंट देन देयर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री, तब वहाँ पे दोस्तों प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इफ देयर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री देन वी कैन से दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली, आई रिपीट, दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है सो वी कैन से देर आर लियो एंड डेक्स्ट्रो आइसोमर्स आर देर। ओके चलो दोस्तों ये कंपाउंड में हम अप्लाई करते हैं, यू कैन सी ए एन ए, दिस बोथ आर, आई रिपीट, दिस बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है,
ऊपर नीचे इक्वल नहीं हो तब किसी एक साइड की अगर दो अनइक्वल हुए तब भी हम कह सकते हैं देर इज नो प्लान ऑफ सिमेट्री। अगर दोस्तों वहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है, मैंने यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री यस ऊपर नीचे इक्वल थे, सो वी कैन से नो प्लान ऑफ सिमेट्री, देन ऑप्टिकली एक्टिव। अगर प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम क्या कह पाएंगे, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर क्या होगा, उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे विच इज लियो एंड डेक्स्ट्रो। सपोज आपको कोई क्वेश्चन है एम ए ए ट्वाइस इंटू बी टू में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो हम ये कहेंगे वन एंड टू ये दो कैसे है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और फिर इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और आप आंसर कहोगे फोर। वहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, सिंपली एक गलती कर पाओगे, यहाँ पे अगर इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर दे, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं जो दो जियोमेट्रिकल आइसोमर से उसी में से एक ऐसा है जिसका डेक्स्ट्रो एंड लेवो है, सो दिस इज वन टू एंड थ्री, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर थ्री ओवर ईयर, ये ध्यान में रखना है, कल भी ऐसा इक्वेशन हुआ था। ओके, देन एम ए ए बी थ्री सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एम ए ए बी थ्री सी, सो यू कैन से यहाँ पे तीन मोनोडेंटेड है और एक डाइडेंटेड है, तीन मोनोडेंटेड में से सॉरी चार मोनोडेंटेड है उसमें से तीन कॉमन है और एक अलग है और एक मोनो डाइडेंटेड है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखें ये एक ही, अगर हम बात करें प्लान की एक ही प्लान में ये दोनों है, फिर बी 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 एन सी वो तो इंडिविजुअल है मोनोडेंटेड है इसको लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, किसका स्प्लिटिंग किया मैंने, बी एंड सी का, सी ओवर हियर एंड बी ओवर हियर, इन दोनों का मैंने दोस्तों स्प्लिटिंग कर दिया तो ये मिला। अभी यहाँ पे आप सेट बनाओगे, यू विल गेट सेट समथिंग लाइक दिस, बी बी उसके बाद ए बी उसके बाद ए सी, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी एन बी सी, ए बी एन बी सी। आप तीसरा कहीं पे भी स्प्लिट करो, आपको जो सेट मिलेगा वो ये दोनों के अलावा तीसरा नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। इट मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर बट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स उसकी क्वांटिटी की बात करें टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज देयर और नॉट। सो हमारे पास एक कंडीशन थी फॉर दी पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे देखना है दोस्तों ऊपर और नीचे ये दोनों इक्वल है, यस बी एन बी ए ए और बी बी, देन पी ओ इज देयर, अगर ये दोनों इक्वल है सो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री है, इफ प्लान ऑफ सिमेट्री देन ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव सो देर इज नो लेवो रोटेटरी एंड दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, इन सेकंड जियोमेट्रिकल आइसोमर अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें बी एन सी, सो ये दिस बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है ए ए बी बी, बट ये पेयर इक्वल है, वो दोनों इक्वल नहीं है बट दिस टू पेयर आर इक्वल, ये दोनों पेयर इक्वल है। अगर ये दोनों पेयर इक्वल हुई ए ए एन बी बी, दिस इज नॉट एक्चुअली डाइडेंटेड, डायग्राम से कन्फ्यूज नहीं होना है, सो हम ये कह पाएंगे ऊपर और नीचे अलग है बट दोनों पेयर सेम है, सो अगेन पी ओ इज देयर, प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर, सो अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट न्यू एग्जांपल, दैट इज एम ए बी बी टू सी टू, एम ए बी बी टू सी टू। पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिगेंड आइडेंटिफाई करते हैं, वन इज एम बी दैट इज डाइडेंटेड, विच टाइप्स ऑफ डाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड, देन टू बी लिगेंड्स बोथ आर मोनोडेंटेड एंड टू सी लिगेंड अगेन बोथ आर मोनोडेंटेड। अगर यहाँ पे दोस्तों उसका अरेंजमेंट करें, सपोज दिस इज आवर प्लान, अभी हमारा प्लान है और इन दिस पर्टिकुलर प्लान यहाँ पे ए बी है विच इज अनसिमेट्रिकल डायमेंटेड, देन सी सी अपोजिट साइन बी बी, उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दूँ थोड़ा सा, क्या स्प्लिटिंग यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे दोस्तों हम स्प्लिट कर रहे हैं पर्टिकुलर बी एंड सी को, अगर यहाँ पे हम बी और सी को स्प्लिट करें सो क्या हो जाएगा, अगर बी और सी को स्प्लिट कर देते हैं ए बी एज इट इज रहेगा, प्लान में होगा बी सी एंड अपोजिट साइड अगेन बी सी, वन मोर स्प्लिटिंग, एक और स्प्लिटिंग साइड हम सोचे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इन दोनों का स्प्लिटिंग हो सकता है सी ए बी बी एन सी, सो क्या होगा उसके
इसके बाद दोस्तों एक्सपेरिमेंट सोचे क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बाद की पॉसिबिलिटी इन दोनों को स्प्लिट करते हैं। अगर इन दोनों को स्प्लिट कर दिया देन बी बी सी सी ए बी, ये होगा हमारा प्लान। अभी दोस्तों इसके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल है दैट वी हैव टू ट्राई। अगर इसके अलावा आप कोई भी स्प्रेडिंग करोगे, यहाँ पे और एक स्प्रेडिंग हुई है, दैट इज ए और बी को भी हमने साथ में क्या किया, स्प्रेड किया है, ए बी यहाँ पे लिखा है, बी और ए, सॉरी बी और ए भी स्प्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको सिमिलर प्लान मिलेगी, सिमिलर प्लान मीन सिमिलर सेट मिलेगा, सॉरी। सो पहले यहाँ पे सेट सोचे कौन कौन से सेट हो सकते हैं, दैट इज कैपिटल ए 180 डिग्री पे, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, सी एन सी, देन यहाँ पे क्या होगा बी एन सी, ए बी सी, यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं, दोनों अलग हुए, देन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन थर्ड वन इज कैपिटल ए स्मॉल सी। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों बी एन सी, ओके, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल सी, ऐसा कोई सेट है, बी एन सी यहाँ पे, बी सी है यहाँ पे नहीं है, सो ये तीनों अलग हो। यहाँ पे सोचे बी एन बी, सो स्मॉल बी स्मॉल बी, देन बी एन सी कैपिटल बी स्मॉल सी, देन ए एन सी कैपिटल ए स्मॉल सी। आप इसके अलावा और कोई भी चौथा सेट ट्राई करोगे, ये तीन में से मेजोरिटी केस में तीन में से कोई एक का इक्वल होगा। ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, मे बी 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 आगे हो या बी पीछे हो, या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे भी स्मॉल बी कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। ये सीक्वेंस से हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे इक्वल ही मिलेगा। अगर सेट इससे इक्वल हुआ यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, फोर जियोमेट्रिकल आइसोमर साथ है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें जी आई की, फोर जियोमेट्रिकल आइसोमर फिफ्थ है या नहीं आपको खुद से चेक करना है। ये बात हुई अप टू जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आफ्टर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अभी दोस्तों हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं, चलो इसमें से कुछ एग्जांपल ट्राई करने हैं, कुछ एग्जांपल आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, बोथ एटम आर इक्वल, बोथ एटम आर इक्वल, तो कुछ ऐसा मालूम है जब बोथ इक्वल हो तब क्या होगा। इन दैट केस अगर ऊपर और नीचे वाले दोनों इक्वल रहे, ऊपर और नीचे वाले दोनों इक्वल रहे, मीन्स आपको एक पे रेसी मिलेगी सी सी या फिर बी। इट मीन्स ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज देर इज पी ओ एस इन बोथ केस। यहाँ पे पी ओ एस है, अगर पी ओ एस है प्लान ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लान ऑफ सिमेट्री मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, शॉर्ट में मैं पूछ सकता हूँ ऑप्टिकली। चलो यहाँ पे दोस्तों बात करें अपोजिट डायरेक्शन वाले प्लेन के ऊपर नीचे वाले अनइक्वल हो, जैसे यहाँ पे बाय चांस एग्जांपल यहाँ पे भी बी सी और यहाँ पे भी बी एन सी, तो दोस्तों ये दोनों में से वन टू ये दोनों में से कोई एक पेयर डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर दोनों पेयर डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर दोनों के दोनों डिफरेंट है। मीन्स देयर इज नो पी ओ एस, यहाँ पे क्या है ये थोड़ी दोस्तों कंजेस्टेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर इज नो पी ओ एस। इफ देयर इज नो पी ओ एस इट मीन्स अगर पी ओ एस नहीं है तो वी कैन से ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो आइसोमर मिलेंगे, देयर इज डेक्टो आई वी। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्लेस में थोड़ा कंजेस्टेड लिख रहा हूँ, आपको समझ में आई थिंक आई जाएगा। चलो वो फॉर द थर्ड एग्जांपल बी एन सी बोथ आर अनइक्वल, ये दोनों अनइक्वल है। अगर ये दोनों अनइक्वल हुए ऊपर नीचे हो रहे तो उसके साथ दूसरा आपको क्या देखना है, इक्वल है या नहीं यार, नॉट इक्वल, दोनों डिफरेंट है। एक भी डिफरेंट हुआ तो भी हमारा काम हो जाता है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। इट मीन्स अगर ये दोनों डिफरेंट हुए देर इज नो पी ओ एस, वहाँ पे पी ओ एस नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे पी ओ एस नहीं है, अगर यहाँ पे पी ओ एस नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा, इट क्लियरली मीन्स यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ देन बी एंड ए आर आते हैं, उसके लियो और नेक्स्टो, सॉरी नेक्स्टो ऑन द लेवल लेवल दो फॉर्म होंगे। सो आपको अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं,
सो अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तो आपको क्या कहना है, पहले ऐसे जियोमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वन एंड टू प्लस ये कितने एक्टिव, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है देन थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू एट, सो वी कैन से टोटल एट स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ही चाहिए, ओनली जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, देन वन टू थ्री फोर। अगर आपको ओनली स्टीरियो आइसोमर सॉरी आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स ही चाहिए देन थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें आपको ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव जब भी कैलकुलेट कर रहा हो आप ये फॉर्मूला का यूज करना और उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाना चाहिए। ओके अभी दोस्तों हम कंपेयर करें आप पीछे के उस चैप्टर में, तो हमने साथ में ही टॉपिक के साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एम सी क्यू कुछ एम सी क्यू प्रैक्टिस करते थे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ देर इज सम गैप इन सिलेबस गुजराती मीडियम से थोड़ा पीछे है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एम सी क्यू साथ में इंक्लूड करना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। बट आपके लिए एक एडवाइस है दैट यहाँ पे पर्टिकुलर इन दिस टॉपिक मैंने एन सी आर टी से थोड़ा अलग जगह काम किया बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट इसके साथ दोस्तों इसका एन सी ई आर टी पोर्शन आपको खुद से कम्प्लीट करना है, ये मैंने करवा दिया। इन दोनों का कॉम्बो लेके आपको डायरेक्टली जो वर्कशीट है जो डी पी पी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेरी रहती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो यहाँ पे इंडिविजुअल लेक्चर कुछ एम सी क्यू मैंने इंक्लूड नहीं किए, डजंट मीन आपको नहीं करने, आपको खुद से एम सी क्यू सॉल्व करने ही है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।